लो भैया जी, गेम शुरू हो चुकी है। हमने अपनी मलकाया आलिया बाहर निकाल ली है। मैच है एक इंडियन के साथ, इंडियन डॉन पैबलो। वाह, पैबलो के नाम पे भाई साहब ने अपना नाम रख लिया। चलो देखते हैं तो सारे इनके उल्टे काम ही। इनका कंट्री देख लो, बड़े देशद्रोही देशभक्त हैं, बनते फिरते ये देशद्रोही बन जाते हैं। इनकी ज़बान में वो देशद्रोही कहते हैं मेरे ख्याल में। खेल तो ऐसे रहा ना जैसे बस कोई हारे ना हारे बेटा, तुझे तो मैं जरूर हराऊंगा। बंगलो विच मैनू तू चाहे ता पाए कारनी, बंगलो विच मैनू तू चाहे ता ते बैरे विच तेरा प्यार नी। अब देखते हैं, गेम तो बच्चा अच्छी कर रहा है, इंडियन प्लेयर। ओह नाइस शॉट। अच्छा चलो हम इसको अपने वापस ले आते हैं और नई चाल सोचते हैं। नहीं सर, चाल बनाना भी कौन सा आसान काम है। अच्छा ये इधर से इधर को मूव करना चाहेगा, लेकिन मैंने इसको इधर से इधर मूव नहीं करने देना। कोशिश यही है कि इसको ये इधर बनाए, जब के राइट साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे ये कैसलिंग ना कर सके। बाकी देखते हैं क्या बनता है। कोशिश तो मेरी यही है कि कैसलिंग अपनी मर्जी की ना कर सके। अच्छा और ये घोड़ा उठा के ले आया अपना नाइट। अरे यार मुझे वैसे इंग्लिश में भी नाम आते हैं, लेकिन उर्दू में लेने का अपना ही मज़ा। क्यों हम अंग्रेज़ों को कॉपी करें। और ये मेरी क्वीन झांसी जिसको कहते हैं मलका आलिया, उन साहिब ने धमाकेदार एंट्री मारते हुए। अगर मैं इससे इसका प्यादा मारता ना, तो उधर से मेरी मलका शहजादी वो डेड हो रही थी, उसका जनाजा निकल जाना था। तो क्यों ना अब इसको, अगर उसने उधर से ऐसा रख के इसको प्यादे से ऊपर से तोप जिसको रुक कहते हैं, सीधा उसकी रेंज में मैंने आ जाना था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। पोजीशन तो बहुत अच्छी बना के खेल रहा है वो। देखते हैं क्या बनता है। बहुत सोच विचार के बाद बंदा चाल चल रहा है, और इतनी सोच समझ के चाल चलने पे भी अगर अच्छी चाल ना बने तो फायदा। बैटरी भी लो हो चुकी है मेरी मेरी ने मेरे मोबाइल की। सस्ती जगह थी लेकिन थी अच्छी। क्यों ऐसे नहीं है। अच्छा चलो, वरना इन भाई साहब ने उसको मारना था। सही
फिलहाल तो मैच बराबर पे जा रहा है, देखते हैं क्या बनता है इसके बाद। एक एक बैड मूव से सारी गेम ख़त्म हो जाती है, जस्ट वन बैड मूव एंड द गेम इज ओवर। जस्ट लाइक दैट, ये एक बैड मूव थी कि मैंने उधर से उसकी तोप नहीं चेक की, जिसको रुक कहते हैं, उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये उठाना पड़ा और ये एक नया मसला फीसागोरस खड़ा हो चुका है। तो काफी डिफिकल्ट हो चुका है। एक चाही था बंगला मैनू, एक चाही थी कार वे, कार विच मैनू चाही था तेरा प्यार। मैच अभी ओवर नहीं हुआ, एक बैड मूव उसकी, उसको ले डूबेगी, और एक गुड मूव मेरी मुझे बचा लेगी। गेम 50-70% उसके हाथ में है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, देखते हैं फिर होता है क्या। Too much difficult to win this match, but I'll try my level best. गेम कुछ एक्स्ट्रा ही समझदार तक कर रहा है, वो इतनी होती नहीं है लेकिन खैर कर रहा है, तो हमें क्या करता रहे। बंगलो विच बिन तू चाही ते तेरा प्यार नी, भाइयो माफ कर देना अगर मैं इस गेम हार भी जाऊं तो। उम्मीद है गेम जीतेंगे इससे, बाकी ड्रा कर लेनी है इससे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो ड्रा तो करना। ड्रा भी हो गया तो इट्स वेल एंड गुड। चाही था तेरा प्यार भी, अरे भाई फंस रहा हूँ फंस रहा हूँ, फंस गया मैं तो। ओए 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 ओए
मैंने तू चाहे तो बंगलो बिच तेरा प्यार नहीं। फंस गया मैं तो फंस गया रे, रिजाइन बनता था वो ये इसने क्या किया रे, ये इसने क्या किया। मेरे पास प्याता नहीं है पीछे कोई भी, इसलिए अगर मैंने गेम इसके तो पार भी ली, लेकिन इसके फ्याते जहाँ से ना वो मुझे ले बैठेंगे, तो इससे बेहतर अगर मैं क्यों ना ड्रा की तरफ ले जाऊँ गेम विद द रेपिटेशन ऑफ 2 और 3 टाइम्स और ड्रा।